Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching The Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. साहब नमस्कार। नमस्कार। आपने सुना ही होगा कि परिवर्तन संसार का नियम है। करेक्ट। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में भी आज बहुत बड़ा परिवर्तन मैं करने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं इन पेशेंट्स का चेकअप वगैरह कर रहा हूँ। ओहो। चलिए नाखून दिखाइए अपने। ये तुम्हारे बाप का बिजनेस है जिसको बढ़ा रहे हो तुम। क्या हालत है सुदिशा? मैंने इस हॉस्पिटल में दो दो नर्सें रखी हुई हैं, किसी काम की नहीं। I have a tough life, you see. Oh. I am not a doctor, I am an institution. Oh. But my life is very tough. मैं अपने नर्स को बुलाता हूँ। लॉटरी! ए लॉटरी! डॉक्टर साहब! ओह हेलो! डॉक्टर साहब! डॉक्टर साहब! हेलो! आपने मुझे कल बुलाया था ना? मैं कल मीटिंग में था। मैंने कहा आज मिल के आता हूँ फिर। नहीं वो तो ठीक है कपू शर्मा, मैं तुम्हें कपू कपू बुलाता हूँ, कभी आते नहीं। लॉटरी कहता हूँ तुम एक सेकंड में आ जाते हो। हैं ये कैसे भाई? अपनी गाड़ी के नाम की अनाउंसमेंट होती है, आदमी पटरी झाग ही लेता है। लॉटरी आपने मुझे बुलाया? नहीं नहीं मैं तो तुम्हारे नाम का जयकारा लगा रहा था। मैंने थोड़ी बुलाया था। दमशराज की डैम्ब, मैंने तेरे को बुलाया इधर। ये देखो ये कौन है? ये तो हमारा पेशेंट है। वेरी गुड, ये तो मेरे को नई चीज बताई, हमारा पेशेंट है। अब मैं पूछ रहा हूँ भाई ये इतने मैले क्यों हैं? कूड़ा फेंक गया जैसे लग रहा है जैसे इनके ऊपर कोई। तो आपके मुंह के हिसाब से आएंगे ना पेशेंट भी? इतना गंदा हॉस्पिटल आपको पता है, सुअर भी जाते ना नाक पर माल रख के लेके जाते, इतने गंदे। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ पे खड़े होकर मेरी बेइज्जती सुन रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? जाओ एक दूसरे की डस्टिंग शुरू करो अंदर जाके। गो इनसाइड। डॉक्टर साहब हमारा जो पेशेंट है हमेशा ऐसे गंदे होते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? हमेशा नहीं, इम्पोर्टेंट है आज। यू से आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है सिद्धू साहब, क्योंकि आज मेरे डॉक्टरी की सालगिरह है। मुझे डॉक्टर बने हुए 21 साल हो गए हैं। झूठ बोले डॉक्टर साहब, आपको पागल खाने से छूटे हुए 21 साल हुए आपको? नहीं नहीं वो तो 21 साल एक दिन हो गया यार, डॉक्टरी मैंने अगले दिन शुरू की थी। ओ, लेकिन आपने कभी नहीं बताया कि आप पागल खाने में थे। कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ। एक्चुअली जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन मेरे वाइफ भाग गए थे, पता है, और मैं सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका। ओह हाउ स्वीट, आप इतना प्यार करते थे। प्यार नहीं करता था, शादी हुई मैं खुशी के मारे ना हंसने लग गया, 104 घंटे तक हंसता रहा। लोग कहते कहीं मैं पागल हो गया हूं। कोई सदमा लगा पाजी, खानदानी पागल है। इसके पिताजी इतने बड़े पागल थे, ऐसा बेटा पैदा कर दिया, ऐसे बच्चे पैदा करता कोई? नहीं करता। मेरे पिताजी करते हैं। इसके पिताजी इतना हंसे बाद में इनके पिताजी को जेल हुई, पता है? वो कहते हैं अगर ये आदमी बाहर रहा तो ऐसी चीजें प्रोड्यूस करता रहेगा। वेरी गुड, मेरे पिताजी की सारी बातें पता, सारे खानदान का लेखा जोखा है ना इनके पास हमारे। अच्छा मेरे पिताजी कब पैदा हुए थे, जब ये पैदा नहीं हुए थे उसका भी पता है। देखो वेरी नाइस। पता है मेरे को मेरे दादाजी क्या करते थे भाई? दादाजी आपके आपकी दादी को तंग करते थे। हेलो इंटरव्यू, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने ना इस दुनिया में बड़े बड़े लोगों का इंक्रीमेंट किया है, पता तुमको? अरे इंक्रीमेंट नहीं ट्रीटमेंट होते। मैंने तुम्हारी हिंदी में कभी टोका, मेरी इंग्लिश में टांगा डाल रही हो तुम। देखो कपिल तुमने आज बड़ा सूट वगैरह पहना हुआ है, मेरी पार्टी का फंक्शन है, तो मैं कहता हूँ तुम एंकरिंग कर लो। मुझे क्या मिलेगा? मैं ये जो मलाई कोफ्ता है ना, जितना मर्जी खाना दूसरे की प्लेट से, कोई नहीं रोकेगा तुम। मैं खाता ही नहीं आजकल मलाई कोफ्ता, मेरी फिल्म आ रही है, मैं वेट कम कर रहा हूँ।
ये बाजी, ये मेरे को पनीर खिलाएंगे। परसों एक मेहमान आया, उसकी चप्पल नहीं मिल रही, कहते मेरी चप्पल कहाँ है, कहते काट के तुम्हें खिलाया तो है मटर पनीर, चप्पल काट के पनीर खिला देते ऐसे घटिया लोग। सिद्धू साहब दो सीटियां लगवा दो ज्यादा ना, चप्पल पनीर से भी सॉफ्ट हो जाती है। मैं बहुत इंजॉय सेम लगता है जैसे पनीर खा रहे हो। ओहो आप कर लो ना प्लीज, तो ना छोटा सा काम। मैं कहता तुम कह रही थी मैं कर लेता। हेलो तुमको मैंने नर्स रखा हुआ है ना, है ना, तो इधर रहो तुम जरा सा। मुझे तो कुछ नहीं रखा होगा ना, मैं तो उधर जा सकता हूँ। नहीं तुमको भी रखा है ना, तुम होस्टिंग कर रहे हो, तुम अपनी होस्टिंग की तैयारी करो, मैं अपनी तैयारी करता हूँ। सिद्धू साहब आज मैंने ऐसा परिवर्तन किया है ना, आप देख लेना आपकी आंख खुली की खुली रह जाएगी। उनकी आंखें तो अभी भी खुली हैं। अच्छा जो बड़े बुजुर्गों ने कहावतें बनाई है वो वेस्ट कर दे, हम यूज ना कर रहे हैं उनको हर चीज में। ये क्या लगा अपने बालों में, परिवर्तन है ना तो थोड़ा स्टाइल चल रहा है मेरा। कहाँ जा रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है? ये मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। क्यों भाई? वो घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था। अरे वाह मुबारक हो, आपकी कब्ज ठीक हो गई। एक मिनट, फिर तो मैं कहूंगा ना कि मुझे इंतजार था, लोगों को थोड़ी कहूंगा तुमको इंतजार था। फिर हुआ क्या बताओ? सोनी टीवी 21 साल का हो गया है, 21वीं सदी भी आ गई है, एंड आई मस्ट टेल यू मेरी बेटी भी 21 साल की हो गई है। एंड मैंने फैसला किया है कि आज मैं उसका स्वयंवर करूंगा। चलो अभी की दुखी बातें छोड़ते हैं। व्हाट अ 21 डे, आई वुड कॉल माय डॉटर सरला। सरला बेटी सरला। डॉक्टर साहब ए सरला 21 की कैसे हो गई? 6 साल पहले भी आपने कहा था 21 साल की हुई है ये। 6 साल पहले मैंने तुमको एक और बात कही थी, शट अप, वो तो तुमको याद नहीं, ये तुमको याद है? जब आपने मुझे शट अप कहा था मैंने भी आपको कुछ दिया था, आपको याद है? हाँ हाँ, मुझे तुमने कान के नीचे दिया था जो मैंने संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। ओके मेरी बेटी का स्वयंवर है दोस्तों, तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए उन लोगों को बुलाना चाहूंगा जो इस स्वयंवर में शरीक होने वाले हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं कि मेरी बेटी सरला, इसके गुण बताता हूं मेरी बेटी सरला के। सिद्धू साहब इसने अब रात को चलना छोड़ दिया, नींद में चलती थी ना, और खराटे बस नाम के लेती है, दो चार मिट्टी खाना तो पिछले हफ्ते भी छोड़ दिया। आपको शर्म नहीं आती आपकी बेटी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं आप? तो फिर किसके बारे में बोल लो भाई, आप अपनी बेटी के बारे में ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे लोग क्या सोचेंगे? ये तो फिर वो खड़े होकर भी वही सोचेंगे जो बैठे सोचेंगे, उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। ओके जिसको जो सोचना है सोची तो कपूर, जब तुम्हें कुछ नहीं सोचना तो क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे। वेरी गुड बेटा। पापा आप मेरी शादी करा दो, मैं तैयार हूँ, भले मुझे किसी सड़क छाप से क्यों ना करनी पड़े। भले का क्या मतलब हुआ, उसी के साथ होनी है और और क्या, तेरे प्रिंस विलियम आएगा शादी करने तुम्हारे साथ। मैं कुछ लोगों को स्वयंवर के लिए यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, मेरे भी कुछ एज ए फादर फर्ज बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाता हूँ एजाज खान, शहीद शेख, अनूप सोनी और कुशाल टंडन, यहाँ पे प्लीज आए। बेटे हार पहनाओ, चलो सबको सबको स्वागत कर रहे हैं यार, हर चीज फेरे नहीं अभी, अपना अपना हार पहन के भी नहीं आते लोग घर से। आप सभी आ जाइए, स्वागत ही है। सो वैसे भी आपके हार फंस जाना था ऊपर पगड़ी में, अच्छा हो गया नहीं है। चलो जी सबसे पहले अपने कुशाल टंडन जी हैं यहाँ पे। वैसे आपको आम पापड़ पसंद है? ले सवाल भी देख लो कैसा पूछा, तेरा अपना मुंह आम पापड़ जैसा, इसका मतलब सबको आम पापड़ पसंद है। वैसे मुझे एक सवाल पूछना था देव से। देव आप शादी के बाद अपनी पूरी सैलरी मुझे दे देंगे ना? जी बिल्कुल, पूरी की पूरी। शादी की आड़ में भीख मांग रही है? तुम चुप रहो, शादी के बाद फर्ज बनता है पत्नी का अपने पति की सैलरी पे, तुमको क्या पता? सब कुछ अपने पास ही रखे, अपने बाप को कुछ नहीं देगी। पापा अनूप भी है। अनूप अगर आपसे मेरी बेटी का रिश्ता हो जाता है तो बहुत चैनल फ्रेंडली लगेगा अनूप सोनी। बिल्कुल, और मैं इनसे यही कहूंगा कि
सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, तो वो चलेगा ना, आपको दिक्कत तो नहीं। हाँ पापा, वैसे हमारी जोड़ी भी काफी सोनी लगेगी। हाँ। पापा इजाज भी, इजाज के तो मिजाज ही मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं इस वक्त। भाई जो भी हो, मैं ये बहुत लड़का काबिल है, लेकिन मैं ऐसे किसी का हाथ अपने बेटे के हाथ में नहीं दूँ। मैंने इसको ना ऐसे ही चलते फिरते पाला। So, मैं इसका हाथ उस लड़के के हाथ में दूंगा जो स्वयंवर का आइटम जीतेगा। ये किसके कद्दू उठा के? फ्रेंड्स, दिस इज योर टारगेट। यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे चारों आ जाइए। एक एक इंजेक्शन मैं आपके हाथ में देता हूँ। अब आपको यहाँ से खड़े होकर वहाँ पे निशाना ठोकना है। आइए, सबसे पहले बैश, बैश। ओह, I missed it. मुझे पहले ही शक था ये आदमी जानबूझ के मिस कर रहा है। Congratulations, you missed it. क्योंकि इनको रिजल्ट पता है ना, प्रोग्राम ही ऐसा करते हैं, ये खतरनाक वाला। अब ऐसे बाबुल जो भी मेरे बेटे से शादी करना चाहता है, मेरे बेटे को चुन ले और हाँ बोल दे। बेटे तो मेरे पास अब नहीं रहेगी। कौन शादी करना चाहता है मेरे बेटे से? बाबुल जी और सरला जी, मैं माफी चाहता हूँ, मेरी भाग्य लक्ष्मी यहाँ है, तो मैं आपको अलविदा कहना चाहता हूँ। माफी दीजिए मुझे। ठीक है सोनी साहब, मेरा तो देखिए निशाना ही चूक गया, तो मैं तो वैसे ही रेस से बाहर हो गया। जानबूझ के ठगी की आपने, ठीक है जी। देव की तो ऑलरेडी सोना है, उसकी शादी हो चुकी है। मेरे पास तो दो हैं। बेटे चैनल का लोगो बदल गया, पर तेरी किस्मत नहीं बदले। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.